गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. सो द टॉपिक्स विच वी कवर टुडे, व्हाट मेक अस ब्रीथ. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों की ब्रीदिंग मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, और हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होती है वो कैसी होती है, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं और पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले आप लोग ऐसे अपने चेस्ट पे हाथ रखो और लंबी सांस लो और फिर सांस छोड़ो. ठीक है, मतलब इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया. आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको फीलिंग आएगी कि आपके चेस्ट पे कुछ मूवमेंट होगा, राइट? तो ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा रिब्स और डायफ्राम यही हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक कि किस तरीके से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है. ब्रीदिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम. ब्रीदिंग में रिब्स और डायफ्राम की हेल्प से ब्रीदिंग होती है. ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. अब इनहेलेशन के समय क्या होता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन. व्हेन वी ब्रीद इन, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. जब हम लोग सांस लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं. ठीक है, क्या चीजें? द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो रिब्स जो होती हैं, मतलब जो हम लोगों के बॉडी के ऊपर, इस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, ये रिब केज होता है हम लोगों का और रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं. तो जब हम लोग इनहेल करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स पुश होती हैं अपवर्ड और आउटवर्ड. ठीक है, मतलब पीछे की तरफ होती हैं. सांस लेके एक बार आप देखिए आपको कैसी फीलिंग आएगी. ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड. और डायफ्राम कैसा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है और डाउनवर्ड मूव करता है. ठीक है, अब द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द रिब्स एंड द डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. और जब ये होता है तो जो हम लोग की चेस्ट कैविटी होती है उसमें क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है. ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के अंदर जो होता है वो स्पेस इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग इनहेल करते हैं. ठीक है, द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड द एयर रशेस इनटू द लंग्स. और इसी तरीके से चेस्ट कैविटी कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और लंग्स में एयर भर जाती है. ठीक है, द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपेंड. और लंग्स में क्या हो जाता है, हवा ऑक्सीजन भर जाती है और वो कैसे हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब साइज में बढ़ जाते हैं. ठीक है, अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है, व्हेन वी ब्रीद आउट टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. अभी क्या था, इनहेलेशन में भी दो चीजें हो रही थी एक साथ और एक्सहेलेशन में भी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, दो चीजें एक साथ होती हैं. क्या दो चीजें एक साथ होती हैं, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. तो जैसे ही हम लोग सांस छोड़ेंगे आप एक अलग सी फीलिंग फील करेंगे अपने रिब्स में कि वो कैसे मूव करते हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. द डायफ्राम रिलैक्सेस, और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड मूव अपवर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और अपनी ओरिजिनल पोजिशन ले लेता है. ठीक है, नाउ
The downward and inward movements of the ribs and the upward movement of the diaphragm decreases the space in the chest cavity. और जब ये चीज होगी तो आप लोग फील करेंगे कि आपकी जो चेस्ट कैविटी में स्पेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर. और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, ठीक है. एंड द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स. और जो एयर होती है वो लंग्स से बाहर चली जाती है. द लंग्स गेट एम्प्टीड एंड कॉन्ट्रैक्ट. और इसी तरीके से लंग हवा मतलब बाहर जब छोड़ देते हैं तो हवा से खाली हो जाते हैं, है ना, और वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थी मैकेनिज्म आपकी कि किस तरीके से जब इनहेलेशन होता है या एक्सहेलेशन होता है तो किस तरीके से रिब्स और डायफ्राम मूव करते हैं, है ना, और हम लोगों की चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है. और इसी तरीके से लंग्स में एयर फिल होती है और फिर लंग्स से एयर निकल के लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना. तो अब हम लोग स्टूडेंट्स इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू. स्टूडेंट्स, ये देखिए डायग्राम है आपकी बुक में पेज नंबर 89 में. ये देखिए, ये पहला डायग्राम है जब इनहेलेशन होता है तो किस तरीके से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मूव डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है. रिब केज, ये देखिए रिब्स मैंने जैसे अभी बताया, ये रिब केज होती है, ठीक है, और रिब केज विद लंग्स, ठीक है, अंदर लंग्स होते हैं इसमें. रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये देखिए रिब्स में मूवमेंट दिखाया जा रहा है, ये रेड जो एरोज हैं इनके थ्रू मूवमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है. इस तरीके से एयर ली जा रही है और ये किस तरीके से रिब्स और डायफ्राम में मूवमेंट हो रहा है. अब नीचे वाला जो डायग्राम है, डायग्राम बी, इसमें एक्सहेलेशन दिखाया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये एयर किस तरीके से फोर्स्ड आउट हो रही है, रिब्स किस तरीके से डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स मूव कर रहे हैं और डायफ्राम रिलैक्स होके अपनी पोजीशन ले रहा है, ठीक है. स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से आपने डायग्राम्स के थ्रू ये मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझी, ठीक है. स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई आप लोगों को कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे जरूर पूछेगा. अब हम लोग डिस्कस करेंगे दो एक्टिविटीज, राइट. आपकी बुक में पेज नंबर 90 पे एक्टिविटी 3 दी हुई है और साथ में ही एक्टिविटी 4 भी दी हुई है. इसमें एक्टिविटी 3 में क्या करना है, जैसा कि मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि कौन सी ऐसी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है. इस तरीके का एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो था उसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल जब करते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है हमारे अंदर से? कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक्टिविटी 3 में भी आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बताया गया है. टेक अ क्लीन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल. एक क्लीन ग्लास या प्लास्टिक बॉटल लेनी है आपको. मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल. और इसके जो बॉटल का लिड है मतलब ढक्कन है उसमें छेद करना है और उसको फिक्स कर देना है उसी बॉटल पे. पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लाइम वाटर को कौन सी गैस करती है, ये चीज मैंने पिछले साल बताई थी आपको. आज मैं इसकी एक्टिविटी भी डिस्कस कर रही हूँ और इस बार सिलेबस में आपके ये एक्टिविटी है. So pour some freshly prepared lime water in the bottle. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Carbon dioxide is produced during respiration. Blow gently through the straw for a few times. The lime water in the glass or plastic bottle turns milky. The exhaled air contains carbon dioxide gas because carbon dioxide gas turns lime water milky. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइम वाटर को कौन सी गैस
मिलकी कर देती है ना। अब चूंकि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन हम लोग O2 इनहेल करते हैं और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ लेते हैं कि ऐसा होता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने प्रूव किया कि एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया, एक बॉटल लिया और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर लिया, अब उसमें एक स्ट्रॉ लगा दिया और उस स्ट्रॉ से उसमें अपने मुंह से हमने फूंका, ठीक है, और वो वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये प्रूव होता है कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्सहेल और ब्रीथ आउट एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन अ क्लीन मिरर। अब आप लोगों को क्या करना है, एक क्लीन मिरर अपने घर में लीजिएगा और उससे सांस छोड़िएगा, ठीक है, एक्सहेल कीजिएगा, ठीक है। द क्लीन मिरर बिकम्स क्लाउडी एंड यू मे इवन फाइंड सम वॉटर ड्रॉप्स ऑन द मिरर। और फिर क्या होगा, मिरर के ऊपर एकदम से धुंधला सा हो जाएगा, मतलब क्लाउडी सा हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसपे कुछ ड्रॉप्स भी आप फाइंड आउट करेंगे। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वॉटर वेपर, दीज वॉटर वेपर कंडेंस ऑन द मिरर सरफेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर, ठीक है। फिर क्या आप देखेंगे कि उसपे थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप्स हो जाएंगी मिरर पे। तो ये एक्चुअली ये होता है, जैसे ही आपने एक्सहेल किया तो वो कंडेंस हो जाती है, मतलब से मिरर से टकराई, वो जो वाटर वेपर आपके मुंह से जो निकला उससे टकराई और वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स आप लोग करके देखेंगे, ठीक है, और इसकी मुझे पिक्चर्स जरूर सेंड करेंगे। और एक काम और आप करेंगे, इसमें बुक में पेज नंबर 90 पे टेबल दी हुई है 10.3% ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, तो वो परसेंटेज भी गैसेस का याद करेंगे और मुझे जरूर बताएंगे फोन करके या व्हाट्सएप करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक हम लोगों ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।